वेलकम टू जयपुर द पिंक सिटी, यहाँ आपका स्वागत है। दिस गेटवे टू द ग्रेट थार डेजर्ट इज अ सिटी मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। बिलीव इट और नॉट, इट पायनियर्ड अर्बन प्लानिंग इन इंडिया एंड बिल्ट द 100-foot चौड़ा रास्ता ओवर 200 ईयर्स अगो। इस रास्ते को आज भी चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ के एनलाइटेंड रूलर्स ने इनकरेज किया और पेट्रोनेज दी सभी साइंटिस्ट और आर्टिस्ट को। एस्ट्रोनॉमर्स हैव कोएग्जिस्टेड विद जेम कटर्स, जयपुर इज फेमस फॉर इज घराना ऑफ ध्रुपद एंड कथक और उतना ही मशहूर है यहाँ का खाना। इसीलिए जायकों के इस सफर में जयपुर का ये मुकाम हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। Ever since its settlement, Jaipur has been a vibrant cultural center. Reasons of state and commerce brought people from different parts of the land, aur yahan ka khana shows a beautiful blend of these various streams. Sabse pehla element hai Rajputon ka khana, where we encounter the Hindu non-vegetarian cooking at its best. पर सभी राजपूत मीट नहीं खाते एंड शाकाहारी राजपूतों का खाना भी कम मजेदार नहीं है। द ट्रेडिशन ऑफ ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी इज केप्ट अलाइव इन कंटेम्प्रेरी जयपुर बाय मेंबर्स ऑफ इट्स नोबिलिटी प्राउड ऑफ देयर इनहेरिटेंस। वी वर प्रिविलेज्ड इनवाइटीज टू अ लैविश चौकी मील एट द पिक्चरेस्क डिगी पैलेस। द होस्ट्स कंवर अशोक सिंह जी एंड कंवरानी गायत्री कुमारी ऑफ डिगी, आर फेलो गेस्ट नवाब साहब अलाउद्दीन ऑफ लोहारू एंड इज बेगम रिहाना, बाईसा जितेश्वरी कुमारी एंड सुदेश कुमारी। इट्स अ प्रिविलेज फॉर दिस सरदार टू बी विद द सरदार्स ऑफ जयपुर। अशोक सिंह जी, कैन यू टेल मी, इज दिस हाउ यू वुड ट्रेडिशनली एंटरटेन इफ यू आर शेयरिंग अ मील विद नोबिलिटी इन द रीजन? यस सर्टेनली I would, and it is always done the same way. In this manner, yes. With the silver thalis or exactly. Silver ke glass and exactly. Haan ji? Is there any sort of a distinction between the food of the Muslims of this region as compared with, say, jaise Lucknow ke log hain ya Rampur ke log? Yes, there is a difference because the local environment also makes influences. The cooking and what they eat and what they don't eat, and the difference between say a Muslim household ka khana and this khana is that there's more vegetables here, for example. But the difference, as you, if you want to put it this way, would be that there's far more vegetables, sabziya in yes in the. यहाँ पे एक मिठाई का रिवाज तो बहुत मोटा है। Am I to believe के खाने के साथ मिठाई इज द डिजर्ट, के वैसे भी और डिजर्ट्स बनते थे? डिजर्ट्स बनते थे जी, उनके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे गेवर है जी, कलाकंद है, गुलाब सकरी है जी। ये मिठाइयाँ नहीं मानी जाएंगी, डिजर्ट्स माने डिजर्ट्स माने जाएंगे जी। और खीरें बनती थी जी, आपके सीरे बनते थे जी, सीरा इज हलवा जी। और आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाऊंगा कि जो हमारे अभी प्रेजेंट महाराजा हैं जी, भवानी सिंह जी, उनके दादा महाराज माधो सिंह जी, जी वो डेली एक हलवाई था, नेके का हलवाई, उसके यहाँ से डेली कलाकंद जाता था सिटी पैलेस और रोज खाते थे। तो यहाँ का कलाकंद उतना ही मशहूर है जितना घेवर? घेवर उससे ज्यादा मशहूर है, घेवर से भी ज्यादा, घेवर से भी ज्यादा। A section of this marvelous haveli is now called the Digi Palace Hotel.
Then there is the cuisine contributed by the Marwari and the Baniya. इनका खाना सिर्फ वेजिटेरियन होता है। इस खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता और हींग का अहम तत्व है। तीसरा स्ट्रीम मुसलमानों के खानों का है। इनका इंस्पिरेशन मुगलिया डेलिकेसीज रही हैं, मगर इनका फ्लेवर लोकल है। ये जयपुर के मुसाफिर खाने के मशहूर होटल फिरदौस की रसोई है। यहाँ अजमेर की दरगाह शरीफ जाने वाले पिलग्रिम्स तो खाते ही हैं, पर शहर के कई मीट खाने वालों के लिए यहाँ तक पहुँचना ही एक पिलग्रिमेज है। जयपुर के एलएमबी की पॉपुलैरिटी का तो ये हाल है दैट मोस्ट पीपल हैव फॉरगॉटन व्हाट द एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर। दीज थ्री लेटर्स स्टैंड फॉर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, अ फेवरेट वेन्यू फॉर सेलिब्रेशंस एंड अ मस्ट ऑन एवरी टूरिस्ट आइटनरी। हालांकि खाने के शौकीन यहाँ पर पूरे भोजन के लिए आते हैं, इट इज एसेंशियली अ चाट भंडार विच इज फेमस फॉर इट्स आलू टिक्की एंड दही भल्ला। इट इज ऑल्सो मिठाई शॉप फेम फॉर इट्स घेवर एंड फेनी। बट वेयर मिठाई इज कंसर्न, इस शहर का ओपिनियन डिवाइडेड है। कई लोगों को रावत की और औरों को बीएमबी की मिठाइयां ज्यादा अच्छी लगती हैं। द कॉग्निसेंटी ऑलवेज ऑन द हंट फॉर एन अनयूजुअल प्लेस विल श्योरली कम टू हांडी। हांडी की सबसे फेमस डिश है हांडी मीट। जाइएगा नहीं, अभी और भी है आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपका स्वागत है एंड वी कंटिन्यू विद दिस कलिनरी सफारी। अमरूद की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 kg सेमी राइप गुआवास, 60 ml कुकिंग ऑयल, 2 g कोरिएंडर सीड्स, 2 g क्यूमिन सीड्स, 2 g फिनल सीड्स, 1 g फिनोग्रीक सीड्स, 1/2 g अनियन सीड्स, अ पिंच ऑफ एसाफोटिडा, 15 g कोरिएंडर पाउडर, 3 g रेड चिली पाउडर, 5 g टर्मरिक सॉल्ट टू टेस्ट, 120 g टोमेटोज, 225 g योगर्ट, 5 g ड्राई मैंगो पाउडर, 5 g फिनल पाउडर, 75 g शुगर, 30 ml लेमन जूस, 3.25 g ग्रीन कोरिएंडर पाउडर। अकम्पनीमेंट्स ब्लांच्ड एंड चॉप्ड स्पिनिश, mashed cottage cheese and shahi jeera, roasted cashew nuts, seasoning salt pepper, carrot, red pumpkin, beetroot, butter, basil and crushed peppercorn. सबसे पहले अमरूद को काट कर उनके बीज निकाल दें। Now heat 60 ml cooking oil. Add 2 g or 1 tsp coriander seeds, 2 g or 1 tsp cumin seeds, 2 g or 1 tsp fennel seeds. Now stir. Add 1 g fenugreek seeds, 1/2 g onion seeds yani kalonji. Stir. Thoda sa intezar kijiye until they begin to crackle and then add a pinch of asafoetida. Add 3 g of red chili powder and the same quantity of turmeric dissolved in 75 ml of water. फिर से हिलाइए, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा। अब 120 g कटे हुए टमाटर इस मसाले में डाल दीजिए।
Now add 225 grams yogurt. Bhuniye until fat leaves masala. Now add 1 cup of water and bring it to boil. और अब ऐड कीजिए कटे हुए डीसीडेड ग्वावास अच्छी तरह से मिला लीजिए और अब ग्वावास को पकने के लिए छोड़ दीजिए नाउ अनकवर एंड स्प्रिंकल 1.5 टीस्पून ऑफ अमचूर the same quantity of fennel powder yani sauf ka powder again stir add 75 grams sugar stir cover and cook for 5 minutes जब अमरूद की सब्जी तैयार हो जाए स्प्रिंकल 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस एंड फ्रेश धनिया एंड स्टर नाउ प्रिपेयर अ सैवरन ऑफ ब्लांच्ड एंड चॉप्ड स्पिनच एंड कॉटेज चीज स्टडेड विद रोस्टेड कैश्यू नट्स डीमोल्ड ऑनटू अ वार्म प्लेट पोर अ पोर्शन ऑफ द सब्जी इन द मिडल Blanch the turned vegetables with a little butter in a pan and saute the vegetables. Now serve. जयपुर की छोटी चौपड़ पे है ये विजय स्टोर माय फेवरेट स्टोर फॉर नट्स यहाँ की मूंगफली और जगहों की पिस्ता बादाम और काजू को मात देती है और देखिए इस मूंगफली का साइज नेचुरल बादाम से बड़ा है छोटा नहीं इस मूंगफली दाने को अपने जिस खास नुस्खे से अरोड़ा साहब रोज करते हैं किसी को नहीं बताते मगर है चीज हनी रोज के टक्कर की But roasted singdana is just one temptation to make you go nuts. Vijay Store has a great variety of pea and other nuts. Roasted, fried, masala and wrapped. ये हमारे जो चने मूंगफली और ज्वार बाजरा और मक्का ये सब स्वास्थ्य के नाते से बनाई जाती है हर आदमी के स्वास्थ्य के अंदर सुधार रहता है कोई बीमार भी आदमी होता है ना उसके लिए बड़ा फायदे की चीज़ होती है जैसे चने होते हैं हमारे छोटे चने रोल में इतने बड़े आते हैं कि डायबिटीज़ वाला हो कोलेस्ट्रॉल वाला हो हार्ट वाला हो उसके लिए सबसे बढ़िया आइटम है ये ज्वार जो होती है वो सबसे हल्की होती है और खाने के अंदर इतनी बढ़िया होती है कोई आदमी कितने भी खा ले उसको कोई नुकसान नहीं करती हो बाजरा जो होता है वो ऐसा होता है जैसे मोतीजरे वाला है माता वाला है बीमार आदमी है उसको दिया जाता है और उसकी मोतीजरा वगैरह सब सारा साफ हो जाता है इसमें डॉक्टरों के इंजेक्शन उसकी ज़रूरत नहीं होती है वो सबसे बढ़िया आइटम होता है बाजरा Believe us, this one journey is worth it just for a peanut. जाइएगा नहीं, अभी और भी है. After the break, welcome back. और हम रख रहे हैं जारी अपना जायके का सफर. How clever! This delightful restaurant, which the Jaipurwalas have embraced with such enthusiasm, casts a magical spell of a moonlit night over Jaipur. And the Chandravanshi Pavilion not only serves as a 24-hour coffee shop, but also takes a very serious look at the speciality cuisines. It has Rajasthani fare
But more than that, it makes a delectable fetish of Vaishnav food. And that's not all. The Chandravanshi Pavilion also dishes out Welcome Group's popular Dampuk Khana. We spoke to Sarabjit Dhawan, the general manager, about this restaurant. Is restaurant ke success mein khane ne kis kadar contribute kiya hai? Khane ka to aisa hai ke, you see, basically we have made a lot of effort since we are in Rajasthan to not only accentuate only on the Jaipur cuisine, but also humne kafi is par accent diya hai Rajasthani cuisine ke upar in total. वैष्णवी क्यूजीन के ऊपर और इस पर हमने काफ़ी रिसर्च करके इस पर स्ट्रेस दिया है हमने. सफ़ेद मांस बनाने के लिए आपको चाहिए 1.2 केजी यंग लैम्स शोल्डर, सॉल्ट टू टेस्ट, 225 ग्राम्स योगर्ट, 90 ml क्रीम, 5 ग्रीन कार्डमम, 3 क्लोव्स, 1 stick cinnamon, 1 bay leaf, 60 grams cooking oil, 30 grams coconut, 60 grams almonds, 2 green chilies, 3 grams cardamom powder, 15 ml lemon juice, 15 ml rose water, 20 grams ginger and 5 grams white pepper powder. Accompaniments: small chicken koftas, silver foil, chandika varak, asparagus, pearl onions and crushed peppercorns. सफ़ेद मांस बनाने के लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे मैरिनेशन. वी हैव 1.2 केजीज ऑफ यंग लैम्ब शोल्डर. स्प्रिंकल सॉल्ट एंड पेपर. Also add 225 grams yogurt and 60 ml cream. Now add 5 green cardamom, 3 cloves, 1 stick of cinnamon and 1 bay leaf. Now mix it well, then cover it with the foil and refrigerate it overnight. For the cooking, heat 60 ml of cooking oil. Now add marinated meat along with the marinade. Stir. And add 20 grams ginger cut into julienne. Sprinkle a little salt and add 2.5 cups of water. Again, stir and bring to a boil. When it comes to a boil, simmer and cover uncover and stir occasionally. When the meat is cooked, add the paste of 60 grams of almonds, blanched and peeled, 30 grams coconut with brown skin removed and 2 green chilies. Char se 5 minute tak ise bhuniye. Now add 1 teaspoon of green cardamom powder and again stir. Add 30 ml cream
1 tablespoon of lemon juice and 1 tablespoon gulab jal. Again stir. Cover and simmer for 15 minutes. Uncover and now adjust to seasoning. Again stir. And cover. अब तैयारी कीजिए सर्व करने की. Take a bouillon और उसके बीच में डालिए सफेद मांस. Top with small chicken koftas wrapped in silver foil. Now place asparagus, pearl onions, and fluted potatoes. Shaped like button mushrooms. Sprinkle the sides of the bouillon case with crushed peppercorns. Now have a bite. मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस जायके के सफर में बड़ा मजा आया होगा और मैं आपसे वादा करता हूँ that next Sunday I will take you to a जायके का सफर which is just as exciting and just as chatpata. Until then, goodbye.